वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो मैट्रिक्स का चल रहा है, और मैट्रिक्स में जो आज का जो अपना टॉपिक है वो है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। अपने पास कोई भी मैट्रिक्स दी गई है, उस मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे अपने को ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ ए अपने को कोई मैट्रिक्स दी गई है देन डायगोनलाइजेशन इट। अपने को ये मैट्रिक्स ए दी गई है, इस ए मैट्रिक्स का अपने को डायगोनलाइजेशन ज्ञात करना है। तो इसका डायगोनलाइजेशन ज्ञात करने के लिए सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो अपने पास जो भी मैट्रिक्स दी गई है, सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, वो मेरे पास होती है ए माइनस लेमडा आई का मॉडुलस इक्वल टू, मेरे पास क्या होता है, जीरो होता है। इस इक्वेशन के अंदर मैं ए का मान रख के लेमडा का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा ए का वैल्यू मेरे पास कितना है, 0 1 1 0, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस लेमडा। आई का वैल्यू मेरे पास 1 0 0 1, इसका मॉडुलस मेरे पास क्या है, जीरो है। इसमें मैं लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 1 1 0। लेमडा को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास हो जाएगा माइनस का लेमडा, 0 0 और लेमडा, इसका मॉडुलस इक्वल टू जीरो। इसको हम अगेन सोल्व करते हैं तो अपने पास इसमें से इसको लेस करते हैं तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस लेमडा माइनस का लेमडा, यहाँ से अपने पास हो जाएगा 1, यहाँ से अपने पास हो जाएगा 1, और यहाँ से अपने पास हो जाएगा माइनस का लेमडा, इसका मॉडुलस बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा मेरे पास लेमडा स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0, यहाँ से लेमडा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1, और लेमडा का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1। तो मेरे पास जो लेमडा 1 होगा वो तो कितना होगा, प्लस 1, और जो लेमडा 2 होगा वो क्या होगा, माइनस 1। इस प्रकार मैं क्या कर सकता हूँ, इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। अब इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ होगी, उन आइगन वैल्यूज़ को हम इस मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके स्थान पर रखेंगे, और इसके अलावा जो भी अपने पास इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होंगे उन सभी को क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। तो अगेन हम बात करते हैं, अपने पास ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स में मैं इनकी आइगन वैल्यूज़ को इसके डायगोनल एलिमेंट्स में रखता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू एक तो 1 है, एक क्या है, -1 है। इसके अलावा मेरे पास जो भी एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के हैं उन सभी को मैं जीरो कर देता हूँ, ये मेरे पास जीरो है और ये मेरे पास क्या है, जीरो है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, डायगोनलाइजेशन, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डायगोनलाइजेशन, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। इस प्रकार हम किसी भी मैट्रिक्स के लिए डायगोनलाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं। अपने पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अपने को कोई भी मैट्रिक्स दी गई है, उस मैट्रिक्स का हम फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसके लिए अपने पास 3 केस होते हैं। पहला जो केस अपन लेके चल रहे हैं वो इसलिए लेके चल रहे हैं कि अपने पास जो आइगन वैल्यूज़ है वो क्या है, डिजनरेट है, यानी कि अलग अलग आइगन वैल्यूज़ है। तो सबसे पहले इसमें ये क्वेश्चन अपने को दिया गया, इफ़ ए इक्वल टू अपने को दिया गया 1 4 0 2, ये मैट्रिक्स अपने को दी गई है, देन फाइंड ई की पावर ए साइन पाई अपॉन 2, ए की पावर 100 और कोस पाई अपॉन 6, इनकी वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये अपने पास फंक्शंस है, इन फंक्शंस की अपने को क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले जो अपने को मैट्रिक्स दी गई है उस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसका आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, ए माइनस लेमडा आई का मॉडुलस बराबर क्या होता है, जीरो। इसमें मैं ए का वैल्यू पुट करता हूँ, ए का वैल्यू मेरे पास है 1 4 0 2, लेमडा ए का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा लेमडा 0 0 और लेमडा, इसका मॉडुलस मेरे पास क्या होगा, जीरो होगा। अगेन सोल्व करता हूँ मैं इसको तो 1 माइनस लेमडा, यहाँ से 4, यहाँ से 0, और यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 2 माइनस लेमडा का मॉडुलस बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इसको इधर मल्टीप्लाई कराता हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा और 2 माइनस लेमडा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, जीरो हो जाएगा बराबर मेरे पास क्या है, जीरो है। यहाँ से लेमडा का वैल्यू मेरे पास एक तो 1 आएगा और एक वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा। लेमडा के दो वैल्यू आएंगे 1 और 2, तो इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, 1 और 2 होगा।
अब अपने को कंडीशन कौन सी दी गई है अपने को, अब अभी अपने पास कौन सी कंडीशन है, डिजेनरेट कंडीशन है, आइगन वैल्यूज अलग अलग है अर्थात डिजेनरेट कंडीशन है। तो मैं बात करूं फंक्शन की, तो अपने पास फंक्शन ऑफ एक होता है अल्फा नोट आई प्लस अल्फा वन ए, ये अपने पास क्या होता है फंक्शन होता है। और फंक्शन अपने को क्या दिया गया है, ई की पावर ए अपने को ज्ञात करना है। तो फंक्शन की जगह मैं रखता हूँ ई की पावर ए इक्वल टू अल्फा नोट आई प्लस अल्फा वन ए, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या है फर्स्ट है। अब मैं इस इक्वेशन में क्या करता हूँ, एक की जगह क्या करता हूँ लेमडा पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा ए की पावर लेमडा इक्वल टू एल्फा नोट आई प्लस एल्फा वन लेमडा। अपने पास लेमडा का मान एक तो वन है एक टू है, तो हम इस इक्वेशन में एक बार तो लेमडा इक्वल टू वन पुट करते हैं और फिर लेमडा इक्वल टू टू पुट करते हैं। तो पहले मैं लेमडा इक्वल टू वन इसमें रखूँ तो मेरे पास ही हो जाएगा ई की पावर वन इक्वल टू एल्फा नोट आई प्लस एल्फा वन, आई को से मल्टीप्लाई करूँगा ये अल्फा नोट हो जाएगा। अगेन ई की पावर टू रखता हूँ तो ई की पावर टू, यहाँ पे टू वैल्यू रखता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा अल्फा नोट प्लस, यहाँ पे टू वैल्यू रखूँगा तो टू अल्फा वन हो जाएगा, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से मैं लेमडा नोट और लेमडा वन का वैल्यू क्या कर सकता हूँ फाइंड कर सकता हूँ, अल्फा नोट का और अल्फा वन का वैल्यू क्या कर सकता हूँ फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, मैं इक्वेशन थ्री में से इक्वेशन टू को लेस करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा अल्फा नोट से अल्फा नोट कैंसिल आउट, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस ई, यहाँ से टू अल्फा वन में से अल्फा वन जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा अल्फा वन, ये मेरे पास क्या आ गया अल्फा वन का वैल्यू आ गया। अब अल्फा वन का वैल्यू मैं किसी भी समीकरण में रख के अल्फा नोट का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, तो इस अल्फा वन के वैल्यू को मैं इक्वेशन सेकेंड में रखता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा ई की पावर वन इक्वल टू अल्फा नोट प्लस अल्फा वन का वैल्यू मेरे पास कितना है ई स्क्वायर माइनस ई, तो यहाँ से अल्फा नोट मेरे पास कितना हो जाएगा ई इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा टू ई, और ये माइनस का क्या हो जाएगा ई स्क्वायर। इस प्रकार से अपने पास अल्फा वन और अल्फा नोट का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब मैं अल्फा नोट का अल्फा वन का वैल्यू अपने पास जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें पुट करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके ई की पावर ए की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा ई की पावर ए इक्वल टू अल्फा नोट, अल्फा नोट का वैल्यू मेरे पास है टू ई माइनस का ई स्क्वायर, आई आई का वैल्यू 1001 प्लस अल्फा वन, अल्फा वन का वैल्यू मेरे पास कितना है ई स्क्वायर माइनस का ई, ए का वैल्यू मेरे पास मैट्रिक्स क्या 1402। इसको हम अगेन सोल्व करके ई की पावर ए फाइंड कर सकते हैं, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास हो जाएगा टू ई माइनस का ई स्क्वायर, इसको मैं जीरो से मल्टीप्लाई कराऊंगा ये जीरो हो जाएगा, इसको जीरो से मल्टीप्लाई कराऊंगा जीरो हो जाएगा, इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू ई माइनस क्या हो जाएगा ई स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसको अंदर सोल्व मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस ई, इसको फोर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर ई स्क्वायर माइनस ई, इसको जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो, टू से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा टू ई स्क्वायर माइनस का ई। अगेन हम इसको सोल्व कर सकते हैं, अपने पास यहाँ से ई की पावर ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अपने पास ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल आउट, टू ई में से मेरे पास ई जाएगा तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा ई बचेगा, जीरो में से ये जोड़ेगा तो मेरे पास ये बचेगा फोर ई स्क्वायर माइनस ई, यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसको मैं टू से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा टू ई, टू ई से टू ई कैंसिल आउट, यहाँ से टू ई स्क्वायर और ई स्क्वायर, टू ई स्क्वायर में से ई स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा ई स्क्वायर। इस प्रकार हम इस मैट्रिक्स के लिए ई की पावर ए का जो फंक्शन है वो क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल अपने पास में साइन पाई ए अपॉन टू, ये फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए इस मैट्रिक्स के लिए फंक्शन अपने को फाइंड करना है, तो ये फंक्शन अपने को फाइंड करना है साइन पाई ए अपॉन टू। तो इसमें सॉल्यूशन की मैं बात करूं, सॉल्यूशन
सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो इसमें यहाँ पे अपने पास लेमडा का वैल्यू कितना है, इस मैट्रिक्स में लेमडा का वैल्यू अपने पास एक तो वन है, एक अपने पास क्या है, टू। फंक्शन अपने को क्या दिया गया है, फंक्शन अपने पास, फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, एफ इक्वल टू एल्फा नोट आई प्लस एल्फा वन, ये अपने पास क्या होती है, फंक्शन की इक्वेशन होती है। फंक्शन अपने को क्या ज्ञात करना है, साइन पाई ए अपॉन टू, तो मैं फंक्शन की जगह यहाँ क्या रखता हूँ, साइन पाई ए अपॉन टू इक्वल टू एल्फा नोट आई प्लस एल्फा वन ए, ये मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में मैं एक की जगह क्या रखता हूँ, लैम्डा पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन पाई लैम्डा बाई टू इक्वल टू एल्फा नोट प्लस एल्फा वन लेमडा। अब अपने पास लेमडा का वैल्यू तो वन है और लेमडा का वैल्यू क्या है, टू है, तो मैं इस इक्वेशन में एक बार तो लेमडा बराबर वन रखता हूँ और एक बार लेमडा बराबर टू रखता हूँ, तो लेमडा इक्वल टू वन पे बात करूँ मैं, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, साइन पाई अपॉन टू इक्वल टू एल्फा नोट प्लस वन की वैल्यू एल लैम्डा इक्वल टू वन रखो होते, मेरे पास क्या हो जाएगा, एल्फा वन साइन पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है अपने पास, साइन कितना होगा 90, साइन 90 का मान अपने पास कितना होता है, वन होता है, तो वन एल्फा नोट वन इक्वल टू एल्फा नोट प्लस एल्फा वन, ये मेरे पास हो गया इक्वेशन नंबर टू। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें लैम्डा बराबर कितना देखता हूँ, टू पुट करता हूँ, तो लैम्डा बराबर टू पे मेरे पास कितना हो जाएगा, साइन पाई का मान कितना होता है, जीरो इक्वल टू एल्फा नोट प्लस, यहाँ पे टू पुट करता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा टू एल्फा वन, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर थ्री। इक्वेशन सेकेंड एंड थ्री से, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से मैं एल्फा नोट और एल्फा वन का वैल्यू क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। मैं अगर इक्वेशन थ्री में से इक्वेशन टू घटाता हूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, एल्फा एल्फा नोट से एल्फा नोट कैंसिल आउट, यहाँ से टू एल्फा वन से एल्फा वन जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा, एल्फा वन इक्वल टू जीरो में से वन जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, माइनस का वन, तो अपने पास एल्फा वन का वैल्यू कितना हो गया, माइनस का वन। एल्फा वन का वैल्यू मैं इस समीकरण में रखे एल्फा नोट ज्ञात कर सकता हूँ, तो ये वन इक्वल टू एल्फा नोट ये माइनस का वन, तो एल्फा नोट मेरे पास कितना हो गया, टू, और एल्फा नोट मेरे पास कितना हो गया, माइनस का वन, ये टू और ये माइनस का वन। अब हम एल्फा नोट का और एल्फा नोट और एल्फा वन का वैल्यू इक्वेशन एक में पुट करके साइन पाई अपॉन टू फाइंड कर सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में अपने पास क्या है, साइन पाई ए अपॉन टू इक्वल टू एल्फा नोट, एल्फा नोट का वैल्यू मेरे पास कितना है, टू, इसको मैं आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2002 प्लस एल्फा वन, एल्फा वन का वैल्यू मेरे पास कितना है, माइनस वन, और माइनस वन को मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का वन माइनस का फोर जीरो और माइनस का टू, इसको हम अगेन सोल्व करते हैं तो अपने पास साइन पाई ए अपॉन टू बराबर हो जाएगा, टू में से वन जाएगा तो अपने पास कितना बच जाएगा, वन बच जाएगा, यहाँ से अपने पास माइनस का फोर बच जाएगा, यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टू माइनस टू अपने पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस प्रकार हम इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन का वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स के लिए इस फंक्शन की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास में 1 की पावर 100, अपने को 1 की पावर 100 का वैल्यू ज्ञात करना है, तो सबसे पहले वही सॉल्यूशन, अपने पास इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू कितनी है, लैम्डा एक तो वन है और एक कितनी है, टू है। फंक्शन के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू अपने पास होता है एल्फा नोट आई प्लस एल्फा वन ए, एफ ए का वैल्यू कितना है अपने पास, 1 की पावर 100, अपने को क्या करना है, फाइंड करना है 1 की पावर 100 इक्वल टू एल्फा नोट आई प्लस एल्फा वन ए, ये मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन में मैं एक की जगह क्या रखता हूँ, लेमडा पुट करता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा लेमडा की पावर 100 इक्वल टू एल्फा नोट आई प्लस
प्लस एल्फा वन लैम्डा। अब लैम्डा इक्वल टू वन पे, लैम्डा इक्वल टू वन में इसमें पुट करता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 की पावर 100 कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू एल्फा नोट प्लस 1 पे कितना हो जाएगा एल्फा वन, ये मेरे पास क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब लैम्डा इक्वल टू 2 पे, लैम्डा का वैल्यू मैं इसमें 2 रखता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 100 इक्वल टू एल्फा नोट प्लस 2 एल्फा वन। ये इक्वेशन मेरे पास क्या हो गया, थर्ड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट थर्ड और सेकंड से मैं क्या करता हूँ, एल्फा वन और एल्फा नॉट का वैल्यू कर लेता हूँ, फाइंड कर लेता हूँ। थर्ड इक्वेशन में इसमें सेकंड इक्वेशन को बैठाऊंगा तो मेरे पास एल्फा नॉट से एल्फा नॉट कैंसिल आउट, यहाँ से मेरे पास बचेगा एल्फा वन और यहाँ से मेरे पास बचेगा 2 की पावर 100 माइनस 1। ये मेरे पास किसका वैल्यू हो गया, एल्फा वन का। एल्फा वन का वैल्यू मैं किसी भी समीकरण में रख के एल्फा नॉट का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ तो इक्वेशन सेकंड में रखता हूँ मैं एल्फा वन का वैल्यू, तो मेरे पास 1 इक्वल टू एल्फा नोट प्लस एल्फा वन। एल्फा वन का वैल्यू मेरे पास कितना है, 2 की पावर 100 माइनस 1, तो यहाँ से अपने पास एल्फा नोट क्या जाएगा, 1 माइनस 2 की पावर 100 प्लस 1। ये 1 और 1 अपने पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो एल्फा नोट अपने पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 की पावर 100। एल्फा वन का वैल्यू अपने पास आ गया, एल्फा नोट का वैल्यू अपने पास आ गया, इन दोनों वैल्यू को मैं समीकरण एक में रख के 1 की पावर 100 फाइंड कर सकता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में अपने पास क्या होगा, 1 की पावर 100 इक्वल टू एल्फा नोट, एल्फा नोट का वैल्यू मेरे पास कितना है, 2 माइनस 2 की पावर 100। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार तो ये आएगा, एक बार 0 और 0 और 2 माइनस 2 की पावर 100 प्लस एल्फा नोट ए, एल्फा नोट को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 100 माइनस 1। इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 2 की पावर 100 माइनस 1। इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 की पावर 100 माइनस 1। अगेन हम इसको सोल्व करें, 1 की पावर 100 इक्वल टू, इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 की पावर 100 से 1 की पावर 100 कैंसिल आउट, 2 और माइनस 1 मेरे पास कितना हो गया, यहाँ से 1 हो गया। यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं जोड़ूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 2 की पावर 100 माइनस 1। यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, 0 और मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगा, 2 की पावर 100। तो इस प्रकार हम इस मैट्रिक्स के लिए इस फंक्शन की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। 1 की पावर 100 की वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले वाला एग्जांपल अपने पास क्या है, cos π a / 6। इसके लिए इस फंक्शन का वैल्यू अपने को फाइंड करना है, तो सोल्यूशन लेमडा का वैल्यू इसमें कितना है, 1 और 2। फंक्शन ऑफ ए अपने पास कितना होता है, एल्फा नोट आई प्लस एल्फा वन ए। फंक्शन अपने को क्या दिया गया है, cos π / 6। फंक्शन की वैल्यू रखता हूँ cos π / 6 इक्वल टू एल्फा नोट आई प्लस एल्फा वन ए। समीकरण नंबर मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट। अब इस समीकरण में मैं एक जगह क्या रखता हूँ, लेमडा रखता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा cos π / 6 एल्फा नोट आई प्लस एल्फा वन लेमडा। अब अपने पास एल्फा का वैल्यू, लेमडा का वैल्यू कितना है, 1 है और 2 है। एक बार तो इसमें 1 पुट करते हैं और एक बार इसमें क्या करते हैं, 2 पुट करते हैं। तो पहले मैं लेमडा इक्वल टू 1 पे चेक करूँ, 1 पे अपने पास क्या हो जाएगा, cos π / 6 और cos π / 6 अपने पास कितना हो गया, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का हमारा अपने पास कितना होता है, √3/2। √3/2 इक्वल टू एल्फा नोट प्लस एल्फा वन। लैम्डा इक्वल टू 2 पे मैं बात करूं तो लैम्डा इक्वल टू 2 पे अपने पास कितना हो जाएगा, π/3 और cos π/3 यानी कि cos 60। cos 60 का हमारा अपने पास कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा 1/2 इक्वल टू एल्फा नोट प्लस 2 एल्फा वन। ये मेरे पास इक्वेशन सेकेंड और ये मेरे पास इक्वेशन थर्ड।
इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से मैं अल्फा वन और अल्फा नॉट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास, मैं अगर इक्वेशन थ्री में से इक्वेशन टू को लेस करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास क्या हो गया इक्वेशन थर्ड, और ये अपने पास क्या हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन थर्ड में से मैं इक्वेशन सेकेंड को घटाता हूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा, अल्फा वन इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा जीरो, और यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा टू एलसीएम लूँगा तो यहाँ से मेरे पास बचेगा वन माइनस रूट थ्री। ये मेरे पास किसका वैल्यू होगा, एल्फा वन का। एल्फा वन का वैल्यू मैं इस समीकरण में रख के एल्फा नोट का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास है रूट थ्री बाई टू इक्वल टू एल्फा नोट प्लस एल्फा वन का वैल्यू वन माइनस रूट थ्री अपॉन टू। इसको मैं इधर भेजूंगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम आएगा टू, ये मेरे पास क्या होगा रूट थ्री, और ये मेरे पास क्या होगा माइनस का वन, और प्लस का क्या होगा रूट थ्री इक्वल टू एल्फा नोट। तो एल्फा नोट का वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा, टू रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू। यहाँ से मेरे पास किसका वैल्यू हो जाएगा, एल्फा नोट का। अब मैं एल्फा नोट और एल्फा वन दोनों के मान को समीकरण एक में रख के कोस पाई अपॉन सिक्स का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो अगेन हम इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट अपने पास क्या है कोस पाई ए अपॉन सिक्स इक्वल टू एल्फा नोट, एल्फा नोट का वैल्यू अपने पास कितना है टू रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो और ये जीरो और ये टू रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू प्लस एल्फा वन, एल्फा वन को मैं किससे ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो एल्फा वन मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास वन माइनस रूट थ्री अपॉन टू। इसको फोर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर वन माइनस रूट थ्री अपॉन टू। यहाँ से अपने पास जीरो और यहाँ से टू वन माइनस रूट थ्री अपॉन टू। इन दोनों को जोड़ के हम कोस पाई अपॉन सिक्स का वैल्यू कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा कोस पाई ए अपॉन सिक्स इक्वल टू यहाँ से रूट थ्री अपॉन टू। मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो मेरे पास एलसीएम कितना आएगा, टू आएगा एलसीएम, और यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा टू रूट थ्री में से रूट थ्री जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा रूट थ्री, या माइनस का वन और प्लस का वन क्या हो जाएगा जीरो। मैं इसको इसमें जोड़ूंगा तो मेरे पास हो जाएगा फोर वन माइनस रूट थ्री अपॉन टू, ये जीरो और जीरो मेरे पास कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अगेन इसको हम सोल्व करते हैं तो ये टू से टू कटेगा, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा टू आएगा, ऊपर अपने पास कितना बचेगा, ये अपने पास टू का, अगर हम इसको हम अगेन सोल्व करते हैं तो ये अपने पास इन दोनों का एडिशन अपने पास क्या हो जाएगा टू एलसीएम आएगा। यहाँ से मेरे पास हो जाएगा टू रूट थ्री माइनस वन, और यहाँ से मेरे पास हो जाएगा प्लस का टू माइनस टू रूट थ्री। इसको हम अगेन सोल्व करते हैं तो टू रूट थ्री से टू रूट थ्री कैंसिल आउट, और टू माइनस वन मेरे पास कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। तो इस पूरे का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा वन बाई टू। इस प्रकार हम कोस पाई ए अपॉन सिक्स का वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे कि अपने पास कोई मैट्रिक्स दी गई है और उस मैट्रिक्स की जो आइगेन वैल्यू है वो अपने पास क्या है नॉन डिजनरेट। इसका सेकंड केस क्या है कि यदि आइगेन वैल्यूज अपने पास क्या है नॉन डिजनरेट है तो हम उस फंक्शन के लिए उस फंक्शन का मान कैसे याद करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में देखते हैं।